जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर बिहार पुलिस सिपाही के लिए कोई अच्छी प्रैक्टिस सेट की बुक बताइए। तो आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस सिपाही के लिए ऐसे बुक को बताने वाला हूं जिसे पढ़कर आप बिल्कुल आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आप सभी पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। तो देखिए, सबसे बेस्ट बुक में मैं आपको दो बुक सजेस्ट करूँगा, एक थ्योरी के लिए और दूसरी बुक होगी प्रैक्टिस सेट के लिए। तो सबसे पहले थ्योरी बुक की बात करें तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नीली वाली लुसेंट समान ज्ञान का बुक है। ये बहुत ही शानदार और बेहतरीन बुक है। थ्योरी के लिए इससे अच्छा दूसरा कोई बुक हो ही नहीं सकता। तो थ्योरी के लिए आप लोग इस लुसेंट समान ज्ञान को फॉलो कर सकते हैं। और देखिए, ये नीली वाली लुसेंट बुक सभी के पास है, मुझे पता है, बशर्ते उनको पढ़ना नहीं आता। तो देखिए, थ्योरी के लिए आप लोग एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि आज आपको एक चैप्टर या फिर दो चैप्टर किसी भी हाल में ख़त्म करना है तो करना है। डेली आप लोग एक से दो चैप्टर ख़त्म कीजिए, डेढ़ से दो महीने में आप लोग पूरी लुसेंट को समाप्त कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आपको दूसरी बुक बता रहे हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन और शानदार बुक है। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता देता हूँ, बिहार पुलिस का सिलेबस इस बार चेंज किया गया है। पहले जो प्रश्न पूछा जाता था वो 12th आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता था, लेकिन इस बार आपके एग्जाम में 10th आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करना है। तो उसके लिए आप लोग ये किरण पब्लिकेशन का बुक देख सकते हैं, इस बुक के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बुक वैसे ही बहुत ही फेमस है। ये बुक बिहार पुलिस के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए न्यू लॉन्च किया गया है। इस बुक की बात करें तो इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और साथ ही प्रीवियस ईयर प्रश्नों के एक्स्ट्रा 5 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। चलिए अब आप लोगों को दिखा देते हैं इस बुक में किस तरह के प्रश्न दिए गए हैं। तो जैसे कि मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 में दिखाया गया है, इसमें सभी सब्जेक्ट का अलग अलग सेक्शन बना हुआ है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी का अलग सेक्शन बना हुआ है और इसमें टोटल 1 से लेकर 11 तक हिंदी के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। दूसरा सेक्शन देखिए अंग्रेजी का बना हुआ है। और आइए नीचे देखिए, फिर यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान का अलग सेक्शन है। और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान के बाद सामान्य ज्ञान का सेक्शन बना हुआ है और सामान्य ज्ञान के बाद देख सकते हैं यहाँ पे सामान्य विज्ञान का बना हुआ है, यानी हिंदी का अलग, अंग्रेजी का अलग, सामाजिक विज्ञान का अलग, सामान्य ज्ञान का अलग, सामान्य विज्ञान का अलग। और नीचे देख सकते हैं मैथ्स भी दिया गया है, मैथ्स के टोटल इसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं। अब चलिए ये भी देख लेते हैं कि इसमें प्रश्नों का डिस्कशन किस तरह से दिया गया है, यानी आंसर किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 से 100 तक आंसर दिया गया है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्नों के एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इस बुक में डिस्कशन दिया गया है, पूरा देख लीजिए। तो प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग इस बुक को ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बुक है। थ्योरी के लिए आप लोगों के पास लुसेंट बुक तो होगा ही, तो थ्योरी लुसेंट बुक से पढ़िए और प्रैक्टिस इस बुक से कीजिए। तो इस बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग ले सकते हैं।